बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है सर। एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है किसानों के लिए और उस पर सिलाई कढ़ाई का कार्यक्रम महिलाओं को दिया जाता है, बच्चियों को, और उसके साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। उसमें हाई स्कूल पास बच्चे और बच्चियां प्रशिक्षण ले सकते हैं। इन विचारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार के प्रयास से विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। ये तस्वीरें वाराणसी के नागेपुर गांव की हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव में विकास तेजी से किया गया है। गांव के युवाओं के लिए निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए SLRM बन गया है, जिसमें महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर कंप्यूटर खुलने से हम लोग बाहर दूर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सीखने की वजह से हम लोग को अच्छे रोजगार भी मिल सकते हैं। इससे बहुत से लाभ हैं। आजकल आज के युग में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आदर्श ग्राम बनने के बाद यहाँ पर सर सब कुछ, जैसे कंप्यूटर व्यवस्था हो गया है और सिलाई कढ़ाई हम यहाँ पर सीख ले रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पर हम लोग खुश हैं। इससे महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है, अपना कपड़ा खुद अपने हाथ से बना सकती हैं। यहाँ पे बिंदु में परीक्षा देती हैं अच्छे तरीके से और हम लोग को अच्छी तरीके से समझाती हैं और हम लोग को आ जाता है अच्छे से। यहाँ की महिलाओं को पहले क्या होता था, यहाँ की महिलाएं बहुत बेरोजगार थी और एक केंद्र खुलने से उनको मतलब सिलाई बुनाई सीख रही हैं और अपना घर पे सी सकती हैं और पैसा कमा सकती हैं। यहाँ प्रशिक्षण हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ हर चीज़ें सिखाई जाती है उसको हम सीख सके और सीखने के बाद इसे हम लोग खुद अपने उपयोग और दूसरों को सिखा सके। इस प्रशिक्षण केंद्र के खुलने से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। जो महिलाएं कपड़े सिल नहीं सकती थी वो महिलाएं आकर यहाँ सीख कर अपने कपड़े खुद बना रही हैं और बाहर के कपड़ों को भी लेकर सिल सकती हैं। सरकार जो भी सुविधा करती है सबके लिए अच्छा की है। गांव में आंबेडकर पार्क बन गया है, साथ ही नंदघर खुलने के कारण बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था भी हो गई है। नंदघर बना है, आंबेडकर पार्क बना है और लोगों को पीने के लिए जल निगम मतलब गड़ा है, पीने के लिए पानी जा रहा है उन लोगों को। आदर्श ग्राम बनने से तो बहुत कुछ बदलाव आया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं बहुत अच्छी मिल गई है नंदघर मरने से, जिससे कि बच्चे शौक से पढ़ने के लिए आते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि हम नंदघर में पढ़ने जाएं, यहाँ तक कि गार्जियन भी इनको छोड़कर जाते हैं। नंदघर में बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, न तो वहाँ पानी की सुविधा थी न तो लैट्रिन की सुविधा थी। जो नंदघर बना है इसमें लैट्रिन बाथरूम सब चीज है और वो फिल्टर वाला पानी भी मिलता है बच्चों को पीने के लिए। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, बस स्टैंड और नई तकनीक से किसान प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं पाकर लोग खुश हैं। अरे माने बहुत साल आप सब जानकारी होगा साहब, मतलब कितना खाद देवे के चाहिए, मतलब और थोड़ा मिट्टी का जांच कराए ओकर रिपोर्ट मिले के आधार से। और किसान के मतलब अब जे आल बा सभी के फायदा बा, सब ओकरे हिसाब से अपन सब देता, सब भिंडी लगावता, सब्जी लगावता। सरकार माने ठीक है, अपन जो सुविधा देत बा तो बढ़िया देत बा। यहाँ पर खुलने से सर हमारे गांव के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे कि जानकारी नहीं था कि कितने विषय में कितना सोडा डालना चाहिए, कि कितने कितने समय पर डालना चाहिए, ये सब सर हम लोगों को जानकारी नहीं था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से होने वाले बदलाव को देखकर यहां लोग खुश हैं और विकास की आंखों देखी कह रहे हैं और सरकार के प्रयास की सराहना कर रहे हैं।